बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज जिब्रेलिन, दैट इज सेकंड हार्मोन विच आई हैव टू डिस्कस। टॉपिक 3, चैप्टर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इज सेल एनलार्जमेंट। It promotes cell enlargement, mean it play role in the increase of size of cell. Cell के size को क्या करता है, बढ़ाता है, लेकिन along the length. Second one is bolting. It induces bolting in rosette plants. Bolting कहते हैं increase in size, but along the length. रोजेट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स को, ऐसे प्लांट जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, और ऐसे प्लांट दैट ग्रो अलोंग द सरफेस, जो कि सरफेस के अलोंग ग्रो कर रहे हों, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, रोजेट प्लांट। वो रोजेट प्लांट्स के अंदर ड्वार्फिज्म ख़त्म करके ये क्या इंड्यूस करते हैं, बोल्टिंग, मीन उनके साइज को, उनकी लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बड इनिशिएशन, बर्ड्स उभार को कहते हैं जो कि ग्रो करते हैं ऑन शूट्स, दैट बर्ड मे डेवलप इनटू रूट, ब्रांचेस, फ्रूट एंड लीव्स और फ्लावर। उन बर्ड्स को प्लांट के ऊपर ग्रो करवाना किसका काम है, जिब्रेलिन का। स्पेसिफिकली एक नेम मेंशन किया आपकी बुक में, क्राइसेंथिमम। क्राइसेंथिमम इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, गुले दाऊदी कहते हैं उर्दू में, और इन प्लांट्स के ऊपर ये क्या करवाते हैं, बर्ड्स ग्रो करवाते हैं, एंड दैट बर्ड्स अल्टीमेटली डेवलप इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। पार्थिनोकार्पी प्रमोट लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ, ये लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, एंड दिस मैकानिज्म ऑफ प्रमोशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। एपिकल डोमिनेंस इन्हांस करते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एक्शन को बढ़ाते हैं और उसको हेल्प आउट करते हैं इन डेवलपिंग द एपिकल डोमिनेंसी इन प्लांट। एपिकल डोमिनेंस इज अ मैकानिज्म टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने का जो मैकानिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। ये जो हार्मोन है जिब्रेलिन, ये उस ऑक्सीजन को हेल्प आउट करते हैं इन प्रमोटिंग द एपिकल डोमिनेंस। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। डोरमेंसी इज अ मैकेनिज्म इन विच प्लांट्स स्टॉप इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। सीड रिफ्यूज टू जर्मिनेट, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होता ड्यू टू सम अनसर्टेन और अनफेवरेबल कंडीशन, और बर्ड्स भी, उन बर्ड्स को और उन सीड्स को डोरमेंसी की कंडीशन से निकालना, उन्हें ग्रो करवाना, उन्हें इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाना, ये किसका काम है, जिब्रेलिन का। अगर कोई सीड नहीं ग्रो कर रहा, आप उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करें एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट का क्या फंक्शन है, रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लारिंग। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे एक्ट करता है ऑफ रेड लाइट। डिले सेंसीन, ये लीव सेंसीन को क्या करता है, डिले करता है, मीन के जो लीव्स हैं उन्हें क्या रखता है, फ्रेश रखता है और ग्रीन रखता है। एजिंग का प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। These are all about the applications of जिब्रेलिन. Now we will discuss some commercial applications or some commercially available जिब्रेलिन. Commercial applications दो हैं इसकी, ये promote करता है fruit growth को, जो fruits वगैरह हैं plant के ऊपर उसको क्या कर रहे हैं, growth को क्या कर रहे हैं, promote. Second, it
यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो मशरूबात बनाने की इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ये क्या होता है यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, इट इज यूज टू स्टिमुलेट अल्फा एमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट माल्टिंग। बार्ले के अंदर किसकी प्रोडक्शन करवाता है अल्फा एमाइलेज, दैट इज हार्मोन, एंड दैट अल्फा एमाइलेज हार्मोन फर्दर प्ले रोल इन माल्टिंग अमाइलेज। These are some commercial applications which is related to gibberellin. First one is cell enlargement, second one is bolting, third one is bud initiation, parthenocarpy, apical dominance, seed dormancy and substitution for red light and delay of sleep sensing. सेल एनलार्जमेंट मीन कि उनके सेल्स के साइज को इंक्रीज कर रहा है। बोल्टिंग मीन के प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, कौन से प्लांट, जो कि ड्वार्फ प्लांट होते हैं। बर्ड इनिशिएशन जाहिर है ऑब्वियसली बर्ड्स ग्रो करेंगे तो उसके आगे क्या डेवलप होंगी, फर्दर ब्रांचेस। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बगैर ही प्लांट के ऊपर क्या ग्रो करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं और फ्लावर ग्रो करते हैं। ये पार्थिनोकार्पी के मैकेनिज्म को क्या करती है, इंड्यूस। पार्थिनोकार्पी यू विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर 18। एपिकल डोमिनेंस प्लांट की लेंथ को क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सीड डोरमेंसी को इंड्यूस नहीं करता बल्कि क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मीन के उसे ग्रो करवाने में क्या कर रहा है, हेल्प। रेड लाइट का सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ये क्या करता है, यूज हो सकता है। लीफ सेंसिंग को क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। कमर्शियली ये प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को, अगर ज़्यादा यील्ड चाहिए गार्डनर को तो इसे अप्लाई करके वो ज़्यादा यील्ड क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है। बार्ले के अंदर अल्फा एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्दर किसे इंड्यूस करता है, माल्टिंग को। सो दिस इज All about your today's lecture in which we study the role of gibberellins.